ही हेलो गाइस, मैसिव डॉक्टर सचिन वंस अगेन। गाइस इस वीडियो को बहुत मतलब बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी कि क्रॉस मैच स्टेट मेडिकल के बारे में भैया जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दो एंड उसके एक्चुअल फीस वगैरह। ऑलरेडी मैंने क्रॉस मैच स्टेट मेडिकल की यूनिवर्सिटी के बारे में एक वीडियो पिछले साल लगभग ऑलरेडी मेरी एक जनरल और भी वीडियो है एंड सेकंड वीडियो मिल जाएगी क्रॉस मैच स्टेट मेडिकल की, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को उसका एक्चुअल बजट एक्चुअल फीस कितनी वो भी पता नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर डिटेल में आपको बताऊंगा उसकी फीस कितनी है, ओवरऑल यूनिवर्सिटी कैसी है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, प्रोस कॉन्स सारे डिस्कस करूंगा। सो लेट्स ट्यून। तो वाइज अभी बात करते हैं क्रॉस मैच स्टेट मेडिकल की ट्यूशन फीस, वहाँ की एक्चुअल ट्यूशन फीस कितनी। तो वाइज क्रॉस मैच स्टेट मेडिकल की ट्यूशन फीस फॉर द ईयर ऑफ 2024-25 के लिए 3,19,000 रूबल है, मतलब 3,19,000 रूबल्स में आपको फीस पड़ेगी। एंड देन हॉस्टल की फीस बात करते हैं, हॉस्टल की फीस की, तो हॉस्टल की फीस है लगभग 10,000 रूबल के अप्रॉक्स पूरी पर ईयर की। राइट, इसके अलावा जो आपका खर्चा लगता है, आपका जैसे कि मेडिकल चेकअप, वीजा एक्सटेंशन एंड आपका लाइक अदर बाकी सारे प्रोसेस, मेडिकल चेकअप, वीजा एक्सटेंशन, ग्रीन कार्ड वगैरह सारा प्रोसेस में वो लगभग खर्चा आ जाता है कि 15,000 से 20,000 रूबल तक आप मान सकते हो। तो ये रहा टोटल इतना खर्चा लगता है आपको टोटल, जो कि आपका लगना ही लगना है पर ईयर लिए। तो वाइस अब इसके अलावा बात करते हैं क्रॉस मैच स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक्रीडेशन की, यूनिवर्सिटी WHO, NMC, ACFMG, AIMR सारी अप्रूव है कि नहीं। तो गाइस ये यूनिवर्सिटी WHO अप्रूव है, ACFMG अप्रूव है, NMC भी अप्रूव है, GMC भी अप्रूव है, FAIMR भी अप्रूव है। गाइस इस यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने में कोई दिक्कत नहीं, आप जनरली जा सकते हो एंड वहाँ से आपकी MBBS फुल्ली कम्प्लीट कर सकते हो। भाई सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि एक्चुअल फीस है क्रॉस मैच स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो है 3,19,000 रूबल। एंड ये यूनिवर्सिटी मतलब बहुत सारे, मैं बता रहा हूँ जनरली, एक स्टूडेंट ने मेरे से कंसल्ट किया था, बहुत सारे एजेंट जो है ये यूनिवर्सिटी की प्राइस 6,00,000, 5.5 लाख। तो आप इस कंपेयर कर सकते कितना पैसा आपसे एक्स्ट्रा लिया जा रहा है एंड एक्चुअल अमाउंट कितना है। तो वाइज अब बात करते हैं नेक्स्ट वहाँ की हॉस्टल की, तो आपको हॉस्टल आपको कैंपस के अंदर अवेलेबल है कि नहीं, वहाँ की सिटी कैसी है एंड वहाँ का ओवरऑल इन्वायरमेंट कैसा है। तो वाइज क्रॉस मैच ये खुद एक सिटी नाम की है, उसके अंदर ही क्रॉस मैच स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। एंड वहाँ का इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा ठंड भी है नहीं, ज़्यादा मतलब गर्मी भी नहीं पड़ती, तो ठीक ठाक इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट क्वाइटली गुड। एंड अब बात करते हैं यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट, तो क्रॉस मैच स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है ये 1942 में इस्टेब्लिश है। तो गाइज अब बात करते हैं कॉलेज की क्लिनिकल एक्सपोजर की, तो गाइज क्रॉस मैच स्टेट मेडिकल की एक सिटी के अंदर मोर देन 15 हॉस्पिटल अटैच्ड है, तो आपको अच्छा खासा क्लिनिकल एक्सपोजर यहाँ से मिलेगा, तो आप डैम श्योर आपका क्लिनिकल एक्सपोजर इस कॉलेज से अच्छा होगा। गाइज एक बात यहाँ पे ना, बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं कि भैया किसी पर्टिकुलर कॉलेज की फीस, सपोज टू भी किसी पर्टिकुलर कॉलेज की फीस बहुत कम है एंड किसी कॉलेज की फीस ज़्यादा है, तो स्टूडेंट्स ना बहुत कंपेयर करने लगते हैं कि भैया इस कॉलेज की फीस ज़्यादा है तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिटी डेफिनेटली ज़्यादा होगी, हाई मिलेगी, ज़्यादा अच्छी मिलेगी। तो गाइस मैं आपका एक डाउट यहाँ पे क्लियर कर दूँ, देखो आप रशिया में MBBS, रशिया ही नहीं, इवन किसी अदर कंट्रीज में भी, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, यहीं पर भी पढ़ने के लिए जा रहे हैं MBBS। तो गाइस एक मेन दिमाग में डाल लो, मतलब उसकी ट्यूशन फीस आपकी एजुकेशन क्वालिटी मैटर नहीं करेगी, मतलब जितनी आप, मतलब कुछ स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि भैया इस कॉलेज की फीस पर्टिकुलरली ज़्यादा है, इस कॉलेज की फीस तो वहाँ पे एजुकेशन क्वालिटी अच्छी मिलेगी, तो वही से कम्प्लीटली रॉन्ग है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब जिस कॉलेज की फीस ज़्यादा है तो वहाँ अच्छी एजुकेशन क्वालिटी मिलेगी, एजुकेशन क्वालिटी आप कंपेयर नहीं कर सकते पैसों के साथ। जब आप रशिया या फिर किसी भी अब्रॉड में MBBS करने के लिए आ रहे हो तो आपको हाली मतलब आपको माइंड में एक सेट कर लेना है कि बाहर कहीं भी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ तो मुझे सेल्फ स्टडी ही करनी है। आप खुद एक एग्जांपल ले लो ना, देखो आपने हाल ही में नीट दी होगी, अभी कुछ बच्चे नीट में ऐसे भी होंगे जिन्होंने विदाउट कोचिंग अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए, एंड कुछ बच्चे ऐसे भी हो जिन्होंने अलिन में कोचिंग कर ली फिर भी उनका स्कोर कम आया, फिर भी नहीं पढ़ पाए, क्योंकि ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड आई आप कैसे पढ़ रहे हो, आप सेल्फ स्टडी कितना कर रहे हो। कॉलेज में, हर कॉलेज में, गवर्नमेंट, ये जितने भी आप बाहर पढ़ने के लिए आ रहे हो, सारे कॉलेजेस NMC, WHO, ACFMG अप्रूव होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, टीचर स्टाफ गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट बॉडी सेम पढ़ाती है, सेम पढ़ाएंगे, डिपेंड करेगा आप उसका कितना रिकॉल कर रहे हो, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो एंड कितनी सेल्फ स्टडी कर रहे हो आपके रिजल्ट के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि भैया इस कॉलेज कम वाले फीस के कॉलेज से कर लेंगे तो हमारे FMG एग्जाम निकलेगा कि नहीं, नेक्स्ट निकलेगा कि, तो बेटा ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना पढ़ रहे हो, कितना सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कितना रिकॉल कर रहे हो, कितना रिवाइज कर रहे हो, तो ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट है आपके ऊपर, ये फीस के ऊपर डिपेंड नहीं है।
एंड गाइस वन मोर थिंग एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस, गाइस जो भी बच्चा क्रास्नोयार्स हो गया एंड और एनी अदर यूनिवर्सिटीज, रशिया की कौन सी यूनिवर्सिटीज जिसके अंदर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो एक्चुअल बजट के अंदर, तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो, या फिर हमारे हमारे लोकल में जो भी बच्चे महाराष्ट्र के हमारे लोकल में ऑफिस में जाकर आप विजिट कर सकते हो, हम आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, वी आर फॉर हेल्पिंग हियर। एंड गाइस वन मोर थिंग, देखो किसी भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना यार, क्योंकि रशिया में बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, जेन्युइनली फ्रॉड्स होते हैं, तो किसी भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। एक बार जिसके थ्रू भी जा रहे हो ना उसका बायोडाटा जान लो, वो बंदा इसमें कैपेबल है कि नहीं, आपका एडमिशन करा सकता है कि नहीं, तभी आप आगे प्रोसीड करो। फालतू में आप किसी को भी 3-4 लाख एक्स्ट्रा अमाउंट देके मत आओ, एक्चुअल बजट के अंदर भी एडमिशन होता है। बस इस वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा इसमें क्रास्नोयार स्टेट मेडिकल की यूनिवर्सिटी के बारे में, अटैच हॉस्पिटल्स एंड नेक्स्ट अदर थिंग्स, उसके अबाउट रिलेटेड मैं आपको डिस्कस करूंगा, सिटी कैसी है, वहाँ पे एनवायरमेंट कैसा है, एजुकेशन क्वालिटी कैसा है एंड ऑल अदर्स। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सून, टेक केयर।